तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग विलोम शब्द देखेंगे। तो टॉप 20 विलोम शब्द आज आप लोग को बीच मिलने वाला है। विलोम शब्द जो इम्पोर्टेंट है उसी को आज एक जगह आज आप लोग के बीच लाए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर याद जरूर कर लीजिएगा। विलोम शब्द आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो कैसे याद करना है और कैसे आप लोग याद कर सकते हैं वो आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। और इसको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी और ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो देखिए, शब्दों को उपयुक्त विलोम दिए गए विकल्पों में से छाटिए। देखिए पहला क्वेश्चन है सदाचार। सदाचार कौन होता है? सदाचार जो अच्छा कार्य होता है, अच्छा कार्य करता है उसे सदाचार कहते हैं। तो इसका जो विलोम मीन्स होता है उल्टा, तो जो अच्छा कार्य करता है उसे हम सदाचार कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आचार, अनाचार, कदाचार और वो अपचार। तो देखिए अब सदाचार हम कर रहे हैं उसके उल्टा हो जाएगा कदाचार। कदाचार होता है कि आप गलत कार्य को सहारा दे रहे हैं तो उसको कदाचार कहा जाता है। तो इस तरीका से आप लोग सदाचार का उल्टा कदाचार याद रखिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा है शीत। शीत शीत का उल्टा क्या होता है? तो शीत गर्मी, वर्षा, तपन और उष्ण। तो शीत का जो उल्टा होगा उष्ण। अब इसे हम कैसे समझेंगे कि शीत का हमारा वर्षा क्यों नहीं हुआ? तो देखिए शीत ऋतु, शीत ऋतु, ऋतु से आप लोग समझिएगा कि जो बसंत होता है, जो ठंडा का दिन होता है उसमें शीत जमता है, कहते हैं कि शीत जम रहा है। उसी तरह गर्मी के दिन में उष्ण बनाता है, उष्ण जो शीत बनता, एक तरफ शीत बनता है यानी कहेंगे कि कोहरा बन रहा है, तो गर्मी के दिन में उष्ण बनता है। उस तरीका से आप लोग को याद रखना है कि शीत का उल्टा उष्ण होता है। तीसरा प्रश्न है कि श्वेत का विलोम क्या होता है? श्वेत मीन्स होता है उजला, श्वेत मीन्स होता है उजला, उसका विलोम क्या होगा? देखिए सफ़ेद, काला, कृष्ण और श्याम। तो देखिए इसको कैसे हमें याद करना है? श्वेत, तो सफ़ेद को ही पर्यायवाची शब्द होगा श्वेत, इसलिए इसका उत्तर काला ना होकर श्याम हो जाएगा। इसीलिए काला का ही शब्द है श्याम, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा श्वेत का श्याम हो जाएगा। उस तरीका से आप लोग को याद कर लेना है कि श्वेत का काला नहीं मारना है, काला आप लोग को हरगिज नहीं मारना है। कौन मारना है? तो श्वेत का श्याम हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि सामान्य का विलोम शब्द क्या होता है? सामान्य जो सही कार्य के अनुसार चल रहा है, समान स्थिति में चल रहा है। तो देखिए ऑप्शन दिया है विशिष्ट, साधारण, विशेषण और असाधारण। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा सामान्य, जो समान स्थिति से चल रहा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा विशिष्ट, जो ऊंचा स्थिति से चल रहा है वो विशिष्ट हो गया। वो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य का विशिष्ट। पांचवा प्रश्न है विरक्त। विरक्त का विलोम शब्द क्या होगा? विरक्त का विलोम शब्द क्या होगा? युक्त, अनर्युक्त, रक्त और असक्त। तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोग अब अपने आप से भी इसको निकाल सकते हैं कि विरक्त, विरक्त है तो इसका उल्टा हो जाएगा अनुरक्त, विरक्त का अनुरक्त। छठवां प्रश्न है कि मानव शब्द का विलोम क्या होगा? मानव का देखिए ऑप्शन दिया है दानव, देवता,
ईश्वर और योगी। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते रहिए आप लोग को अगर आता हो तो देखिए मानव को उल्टा जो होगा वो दानव हो जाएगा, मानव को उल्टा दानव, और देवता देखिए असुर का उल्टा होता है देवता। ईश्वर जो भगवान होते हैं वो ईश्वर होते हैं, और ईश्वर और देवता दोनों एक ही शब्द है, दोनों एक ही प्रवाची शब्द में आता है। और देखिए ये योगी है, योगी मतलब के योग करने वाला यानी तप करने वाला, तो इसका भी असुर हो सकता है। सातवां प्रश्न है, वशिष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है, वशिष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए व्यक्ति, समिष्टि, समाज और विकर्ण, तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वशिष्ठ। देखिए ऑप्शन देखकर ही आप लोग को पता चल जाएगा कि देखिए आधा आप लोग को इसी में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन का आधा भाग आंसर के आधा भाग में मिल जाए तो आप लोग उसको मार दीजिए, आप लोग का सही होगा। तो वशिष्ठ का समिष्ट, तो ये आप लोग को ट्रिक है कि इस पर आप लोग मारिएगा तो आप लोग का सही होगा ही होगा। विनीत का विलोम शब्द क्या होता है, विनीत का विलोम शब्द क्या होता है। उत्तर है दृष्ट, उदंड, उल्लास और क्षमा। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा विनीत का उल्टा होता है उदंड। विनीत मित्र होता है एकदम शांत बालक जो होता है उसको विनीत कहा जाता है, और उदंड जो होता है आप लोग समझ सकते हैं कि जो उदंड बालक और शांत बालक दोनों को विनीत या उदंड हम लोग कहते हैं। तो विनीत का जो विलोम जो हो जाएगा वो उदंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा का विलोम क्या होता है, महात्मा का विलोम शब्द क्या होता है। भिखारी, योगी, भोगी और दुरात्मा। देखिए मैंने आप लोग को बताया कि क्वेश्चन के आधा भाग आप लोग को जिसमें मिल जाए वही आपका आंसर होगा। देखिए इसमें भी तमा है और इसमें भी तमा है, महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा। ये ट्रिक आप लोग को सभी जगह काम करेगा, तो आप लोग इसको ज़रूर उपयोग कीजिएगा। उत्तर का विलोम शब्द क्या होता है, उत्तर का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए दक्षिण होता है या पूरब होता है, पश्चिम होता है या नैऋत्य होता है। तो देखिए कह रहा है कि उत्तर का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए उत्तर, देखिए ये जो दिया हुआ है दक्षिण, पश्चिम, पूरब, तो मतलब कि उत्तर भी है, तो मतलब कि आपको दिशा का ज्ञान के लिए बता रहा है। तो देखिए उत्तर के उल्टा होता है दक्षिण और पूरब के उल्टा है पश्चिम। तो इसके आधार पर उत्तर के जो उल्टा हो जाएगा वो दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण और पूरब का पूछता तो पश्चिम हो जाता, और पश्चिम का पूछता तो पूरब हो जाता। इस तरीका से इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर चुके हैं कि इसका जो उत्तर होगा वो दक्षिण हो जाएगा। प्राचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, प्राचीन मिस होता है पुराना, प्राचीन मिस होता है पुराना। तो देखिए ऑप्शन में पुराना दिया हुआ है मतलब कि ये नहीं होगा। नवीन, नवीन दिया है, नवीन में भी होता है नया, और फिर पुनः नया दिया हुआ है, और अद्यतन दिया है, तो कैसे छाटिएगा। देखिए इसमें कैसे छाटिएगा कि प्राचीन का पुराना, पुराना तो मैंने काट दिया, तो इसमें नवीन होगा या नया होगा। तो देखिए पुराना का नया, ये देखिए दोनों आपस में विलोम है, आपस में विलोम है, तो इसलिए प्राचीन का जो हो जाएगा वह नवीन हो जाएगा। बस देखिए लास्ट में मिल रहा है, आप लोग उपयोग कर लीजिए, बस यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है, हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है, हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है। हर्ष मिस होता है खुशी, तो खुशी देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है दुख, प्रसन्नता, विषाद और विपदा। तो देखिए हर्ष के उल्टा होता है, हर्ष मिस होता है खुशी। तो देखिए यहाँ पर प्रसन्नता है, मतलब कि ये आप लोग को होगा ही नहीं। और हर्ष देखिए खुशी के दुखी होगा, हर्ष मिस होता है खुशी और खुशी का होता है दुखी,
मतलब कि ये भी आप लोग को नहीं हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा विषाद होगा या विपदा होगा। तो विपदा में होता है देखिए पहाड़ टूट पड़ना, पहाड़ टूट पड़ना, तो हर्ष यहाँ खुशी मना रहे हैं तो यहाँ पर विषाद करेंगे, विषाद करेंगे। यही इसी तरह से आप लोग को छाटना है, मेरा ट्रिक लगाइएगा, आप लोग को कभी गलत नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न है कि संपदा का विलोम शब्द क्या होता है। संपदा मिस होता है भरा हुआ, संपदा मिस होता है भरा हुआ। तो देखिए विपत्ति, विपणन, कटु और विपदा। तो देखिए संपदा मिस होता है भरा हुआ, भरा पूरा परिवार होता है, चाहे भरा हुआ कह सकते हैं। तो इसका देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा ट्रिक लगाइए कि लास्ट वाला देख लीजिए कि किस में है। अगर आप लोग को छाटने नहीं आ रहा है तो सिर्फ दा इसमें भी है, दा इसमें भी है। तो संपदा का उल्टा जो होता है वो विपदा होता है। इस तरीका से इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर चुके हैं। रात का विलोम शब्द क्या होता है। तो रात में से आप लोग जानते ही हैं कि रात का उल्टा होता है दिन, रात का उल्टा होता है दिन। इसमें आप सोचने समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, रात के उल्टा दिन होता है। अगला प्रश्न है कि तृष्णा का उल्टा क्या होता है। तृष्णा, तृष्णा का उल्टा क्या होता है। तो देखिए तृप्ति, संतोष, असंतोष और अतृप्ति। तो देखिए हमें मिल गया आंसर। तो इसका जो सही जवाब होगा तृष्णा का उल्टा जो होगा वो तृप्ति हो जाएगा। तृष्णा मिस के उल्टा तृप्ति हो जाएगा। प्रकाश का विलोम शब्द क्या होता है। प्रकाश का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए प्रकाश का अंधेरा, अंधकार, उजाला और रात। तो देखिए प्रकाश का देखिए उजाला नहीं हो सकता है कि प्रकाश से ही उजाला फैलेगा, और देखिए उजाला से प्रकाश से अंधकार हो सकता है, अंधेरा हो सकता है, और देखिए उल्टा जो है तो प्रकाश से उल्टा रात भी हो सकता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा देखिए प्रकाश जब फैलेगा तो उसके बाद अंधकार हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो अंधकार। विसर्जन का विलोम शब्द क्या होता है। विसर्जन, तो किसी भी हम लोग मूर्ति पूजन करते हैं तो प्रतिमा विसर्जन करते हैं, तो प्रतिमा विसर्जन जब करते हैं तो यह वही शब्द है कि विसर्जन में से अपने से बिछड़ना, अपनों से बिछड़ना। तो देखिए देवता, अलौकिक, समान और आवाहन। तो देखिए जब हम लोग विसर्जन मतलब कि हम लोग भेज देते हैं तो उसके पहले हम लोग आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा अर्चना और बुलाते हैं। बुलाना मिस होता है आवाहन, मतलब कि हमारे घर आइए, और उसके बाद हम लोग पुनः पूजा उजा हो जाने के बाद उसको विसर्जन कर देते हैं। तो आवाहन का उल्टा विसर्जन हो जाएगा। पाप का विलोम शब्द क्या होगा। पाप का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए पुण्य है, सत्क्रम है, स्वर्ग है और संपत्ति है। तो देखिए पाप करने से आपको स्वर्ग, पाप का उल्टा स्वर्ग नहीं हो सकता है, और पाप के उल्टा संपत्ति भी नहीं हो सकता है। ये आप लोग को छाटना पड़ेगा कि पाप के उल्टा जो होगा वो पुण्य हो जाएगा। पुण्य इस प्रश्न का सही जवाब होगा। विधि का, देखिए विधि का विलोम शब्द क्या होता है। विधि का देखिए नियम, निषेध, निर्वाण और निरादर। तो देखिए विधि का जो उल्टा होता है, देखिए विधि नियम पूर्वक किया जाता है, मतलब कि विधि का समान शब्द है नियम। विधि का होता है निर्वाण, ये भी नहीं हो जाएगा। और देखिए विधि मतलब होता है कि विधि पूर्वक काम करना, मतलब कि विधि पूर्वक काम नहीं करना मतलब होगा निषेध, निषेध हो जाएगा इसका उत्तर। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आप लोग के बीच है कि आस्तिक का विलोम क्या होता है। तो आस्तिक आप लोग जानते हैं कि आस्तिक का उल्टा जो होता है वह नास्तिक हो जाएगा, आस्तिक का उल्टा नास्तिक हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और इसी तरह का और आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।